प्यारे मित्रों, कबीरदास का पाठ चल रहा था जिसमें आपने कबीरदास के दोहे पढ़े। दोहों के साथ ही इस पाठ में कबीरदास के दोहे भी संकलित है। उसमें से पहला पद है, काहे री नलिनी तू कमलानी। इस पद में कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा जो है उसके आत्मा और परमात्मा जो है उसके एकता पर बल दिया है और बताया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अतः यही सोचकर मनुष्य को इस संसार सागर में रहना चाहिए और हमेशा अपने आत्मा को, अपने मन को परमात्मा में लीन रखना चाहिए। तो इस पहले पद के माध्यम से कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा की जो एकता है, अभिन्नता है, उसको बताया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंग है और इस तरह से आत्मा जो है वो परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, दोनों में गहरा संबंध है। इस संबंध को नलिनी और सरोवर के जल एक प्रतीक के माध्यम से बताया गया है। इसमें बताया है नलिनी जो है वो तो आत्मा है और सरोवर का जल जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। ये आत्मा का प्रतीक है और ये परमात्मा का प्रतीक है। इस तरह से इस पद की जो शैली है वो प्रतीकात्मक शैली है। प्रतीक के रूप में इसमें संसार में आत्मा और परमात्मा के संबंध को, एकनिष्ठ संबंध को बताते हुए और बताया है कि जो लोग एकनिष्ठ भाव से अपनी आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते हैं ऐसे लोगों का हमेशा उद्धार होता है। तो देखिए पहला पद कि काहेरी नलिनी तो कुम्हलानी, काहेरी नलिनी तो कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेत कहो का समील। हेत का मतलब है यहां प्रेम, कसम मैंने किस से, तो तोर हेत कहो का समील आगी। यहां मैंने बताया नलिनी जो है वो आत्मा का प्रतीक है। कहे कबीर जे उदकी समान, उदकी का मतलब जल होता है और यहां उदकी से मतलब जल है। ते नहीं हुए हमारे जल, अर्थात कबीर कहते हैं कि हे नलिनी तू क्यों कुमला रही है। कुमलाने का मतलब होता है मुरझाना, अर्थात तुम इस तरह से मुरझा क्यों रही है, कुमला क्यों रही है। तेरी जो नाल है उसमें तो सरोवर का पानी है, अर्थात हर समय तेरी नाल में, तेरी डंडी में सरोवर का पानी भरा रहता है, उससे परिपूरित रहती है, हर समय जल से परिपूरित है सरोवर के जल से, फिर भी तू इस तरह से कुमला क्यों रही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तू जल में ही उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, जल में वास, जल में ही तेरा निवास है, जल में नलिनी तोर निवास। हे नलिनी हे कमलिनी, तेरा निवास स्थान भी जल में ही है, अर्थात तू रात दिन जल में ही रहती है, ना तभी तपती ना ऊपरी आगी, ना तो तुम्हारा पेंडा जो है तल यानी पेंडा वो तपता है
और ना ऊपर ही आती, न ही तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की आग अर्थात ताप है, अर्थात न तो तू पहले से तपती है, न तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का तप भी है, हर समय तुम जल में ही रहती है, फिर भी तुम इस तरह से कुंभला रही है, मुरझा रही है, इसका कारण क्या है? तो है तो तुम का सके लगे, इसका मतलब तुझे अन्य किसी से प्रेम है, अर्थात तो अन्य किसी से प्रेम करने लगी है, इसीलिए तू प्रेमवश मुरझा रही है, अन्यथा तो जल में ही निवास करती है, जल ही तेरा जीवन है, फिर भी मुरझा रही है, इसका मतलब तुझे किसी अन्य से प्रेम है। कबीर कहते हैं कि जो जल है, जल के समान जिसको माना है, जल के समान जिसकी आत्मा है, ऐसे उस परमात्मा को, यहाँ जल का मतलब उद्दीकी का मतलब जल भी है और इसका प्रतीक परमात्मा भी है। तो कह रहे कबीर के हे कमलिनी, तू तो जल में रहती है और जल में रहते हुए जल से प्रेम करती है, तो फिर भला इस तरह से तू कैसे मुरझा सकती है, कैसे मर सकती है? ये तो इसका सरल अर्थ हुआ कमलिनी के और जल के रूप में। अब इसका प्रतीकार्थ क्या है, अर्थात नलिनी को और सरोवर को प्रतीक मानकर कबीर जो है किसे क्या समझाना चाहते हैं, ये इसका भावार्थ है। यह इसका भावार्थ है कि हे जीवात्मा, तेरी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और इस तरह से तू परमात्मा का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, रात दिन तू परमात्मा में ही डूबी रहती है आत्मा, फिर भी तो इस तरह से मुरझा क्यों नहीं? तेरी उत्पत्ति भी परमात्मा से हुई है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से मानी गई है और तुम उस परमात्मा में ही निवास करती है, डूबी रहती है, इस तरह से तेरा निवास स्थान भी परमात्मा ही है, न तो तुझे किसी तरह का दुख हो सकता है और न ही किसी तरह का संताप तुम्हारे ऊपर है, फिर भी तुम हे आत्मा इस तरह से दुखी है, संसार में आकर पीड़ित है, दुख से ग्रसित है, तो इसका जरूर कोई कारण है और वो कारण है कि हे आत्मा तुम उस परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से प्रेम करने लगी। कहने का मतलब है संसार में आकर तुमने मोह माया से प्रेम कर लिया है, सांसारिक मोह से प्रेम करने लगी है और सांसारिक मोह से प्रेम होने के कारण परमात्मा को छोड़कर तुमने सांसारिक मोह माया से प्रेम किया है, इसीलिए तुम इस तरह से मुरझाई हुई है, कुंभलाई हुई है। कबीर कहते हैं कि जो इस संसार में आकर परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हैं, कबीर कहते हैं ऐसे लोग हैं इस संसार में कभी दुखी नहीं होते हैं और न ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है आत्मा और परमात्मा का एकनिष्ठ संबंध है और इस एकनिष्ठ संबंध को समझते हुए जो लोग संसार में आकर मोह माया से मुक्त होकर के और केवल उस परमात्मा में ही अपना ध्यान लगाते हैं, परमात्मा को ही अपना मानते हैं, ऐसे लोग जो है वो इस संसार में कभी मुरझाते नहीं है, दुखी नहीं होते, उनके मन में किसी तरह का कोई सांसारिक दुख नहीं हो सकता है, वो अपने आप को जीवन मृत्यु से मुक्त समझते हैं। तो इस तरह से कबीरदास ने इस पद के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली में जो है आत्मा और परमात्मा के एकनिष्ठ अनन्य एक स्वरूप को अभिव्यक्त करते हुए और हमेशा संसार में रहते हुए सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के और परमात्मा का ही ध्यान लगाने की बात कही। दूसरा जो पद है उसमें कबीरदास ने बताया है कि जब मन के अंदर ज्ञान की आंधी आती है, अर्थात आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो उससे ही मन का भ्रम मिट जाता है और जब मन का भ्रम मिट जाता है तो मन के अंदर किसी तरह का कोई
अंधकार या किसी तरह का कोई अज्ञान जो है वो नहीं रहता। कबीरदास कहते हैं कि जो लोग संसार में आते हैं और सांसारिक मोह माया में बंध जाते हैं, ऐसे लोगों के मन में हमेशा भ्रम रहता है, उनका जीवन हमेशा अज्ञानता से ग्रसित रहता है। लेकिन जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, ऐसे लोग संसार में आते हैं और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के और पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन होकर के भगवान का ध्यान करते हैं, तो इस तरह से भगवान का ध्यान करने से उनके मन का भ्रम मिट जाता है और उनके मन में किसी तरह का कोई अंधकार या अज्ञानता जो है वो नहीं रहती। इसी बात को कबीरदास ने जो है इस पद में समझाया है। कह रहे हैं कबीर के, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। हे सज्जनों, जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान रूपी आंधी आती है, रूपक अलंकार है कि जब ज्ञान की आंधी आती है अर्थात आत्मा के अंदर तीव्र ज्ञान की उत्पत्ति होती है, आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट होता है, आत्मा के अंदर आत्मज्ञान उदित होता है, तो उस आत्मज्ञान के उदित होने से भ्रम की टाटी सदैव उतर है। मन के अंदर जो भ्रम होता है, ऐसे भ्रम रूपी टाटी जो है वो टाटी उठ जाती है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से आंधी के आने से जो टाटी होती है वो उड़ जाती है, हल्की होती है, घास फूस की बनी होती है, ठीक वैसे ही मन में जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन का जो भ्रम है वो भ्रम रूपी टाटी जो है वो उड़ जाती है। अर्थात ज्ञान के उत्पन्न होने से, ज्ञान की आंधी आने से मन का सारा भ्रम जो है वो मिट जाता है। माया रहे न बांधी, किसी भी प्रकार के मोह माया के बंधन में जो है फिर मन जो है वो बनता नहीं, अर्थात मन जो है पूरी तरह से मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस तरह से टाटी को हम बांध के रखते हैं लेकिन जब आंधी आती है तो आंधी अपने साथ उस टाटे को उड़ा कर ले जाती है, ठीक वैसे ही संसार में आकर के और यदि मन मोह माया में बंध जाता है और ऐसे उस मोह माया में बंधे हुए मन में जब ज्ञान या आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है तो मन का भ्रम मिट जाता है। मन का भ्रम मिटने से मन जो है वो मोह माया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो हित चित्त की दो ठुन्नी गिरा है। हित और चित ये मन के दो भाव है, अर्थात मन की दुविधा और मन का जो द्वेष है, इस तरह का जो भाव है वो मिट जाता है। ठुन्नी का मतलब है खंभे, अर्थात हित चित रूपी जो दो मन के खंभे, जो दो मन के भाव हैं वो दोनों भाव भी गिर जाते हैं अर्थात मिट जाते हैं। फिर मन में कोई दुविधा, कोई किसी तरह की मोह माया के प्रति आसक्ति नहीं रहती है और मोह बलि का घंटा है और मोह रूपी जो बलि होती है, बलि जो छप्पर के मंजे में लगाई जाती है ऊपर, इस तरह से वो मोह रूपी जो बलि है वो बलि जो है वो बलि भी टूट जाती है, अर्थात मन का सारा मोह जो है वो मिट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, इस तरह से कबीरदास कहते हैं कि घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा है वो भी उड़ जाता है और कुबुद्धि का भंडार फूटा है। मन में जो बुरे भाव होते हैं, बुरे विचार होते हैं, इस तरह से बुरे भाव का जो घड़ा है वो घड़ा भी फूट जाता है। कहने का मतलब जिस तरह से आंधी आती है, आंधी के आने से टाटी उड़ जाती है, आंधी के आने से जो है जो खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं, जो बलि होती है जाती है और छप्पर होता है वो उड़ जाता है और घर के भीतर रखे हुए जितने भी मिट्टी के बर्तन इत्यादि होते हैं सब टूट जाते हैं, ठीक वैसे मन के अंदर ज्ञान के आने आने पर ब्रह्म रूपी टाटी भी उड़ जाती है, मोह माया से मन मुक्त हो जाता है और मन की सारी दुविधाएं मिट जाती है, मोह से मन दूर हो जाता है, तृष्णा से भी मन ऊपर उठ जाता है और मन के अंदर किसी प्रकार की कोई कुबुद्धि, बुरी भावना या बुरा विचार भी नहीं रहता है। यानी उस ज्ञान की आंधी के कारण कुबुद्धि रूपी जो घड़ा है
वो भी फूट जाता है। यहाँ भी रूपक अलंकार है। जोग जगत करे संतों वाली, कबीरदास कहते हैं कि संसार में आकर जो संत है, जो सज्जन है, ऐसे लोग जो है बहुत ही यत्न से कोशिश करके प्रयत्न पूर्वक जो अपनी साधना से अपनी तपस्या से जो है इस छप्पर को बनाते हैं, छप्पर को बांधते हैं। निर्जु जुए न पानी, एक बूंद भी पानी जो है उसमें नहीं टपक सकता है। कहने का मतलब जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी आत्मा जो होती है वो पूरी तरह से मोह माया से मुक्त होती है, भ्रम से मुक्त होती है, तृष्णा से मुक्त होती है, और इसलिए उनकी आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में लगी होती है, और इसीलिए उनके ऊपर जो है मोह माया का, तृष्णा का, इसका थोड़ा बहुत भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम छप्पर को यदि पूरी युक्ति से, पूरे प्रयत्न से, योजनाबद्ध तरीके से यदि छपरे को बांधे तो उसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरता है, वैसे जिसकी आत्मा पूरी तरह से मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में लगी होती है, भगवान में लगी होती है, ऐसे जो संत पुरुष है उनके ऊपर सांसारिक मोह माया का, सांसारिक भ्रम का, तृष्णा का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता। कूड़ कपट काया का निक्षय, मन के अंदर, शरीर के अंदर जो भी कपट रूपी कचरा होता है, कपट रूपी जो कूड़ा होता है, वो भी जो इस आंधी से मिट जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है। यानी शरीर के अंदर से जो कपट रूपी कचरा है वो भी इस ज्ञान की आंधी से मिट जाता है, और हरि की गति जब जानी है। ऐसा क्या होता है? जब हम ईश्वर की गति को समझते हैं, भगवान की शक्ति को, भगवान की माया को समझते हैं, कहते हैं अंदर जब मन में आत्मज्ञान आता है, आत्मज्ञान के आने से हम भगवान को जान लेते हैं, मन में आत्मज्ञान होने से परमात्मा को देख लेते हैं, और जब मन में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर का ध्यान आ जाता है, ईश्वर का स्मरण हो जाता है, तो आत्मा में परमात्मा का स्मरण होने से शरीर के अंदर स्थित जो भी कपट रूपी कचरा है, कूड़ा है, वो भी साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। कबीर कहते हैं कि आंधी पीछे जे जल कूड़ा, कि जब आंधी तो चली जाती है, आंधी के बाद जो वर्षा होती है और उस वर्षा का जो जल होता है, उस जल से प्रेम हरि जन पीना, अर्थात जो भक्त जन है, भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग उस प्रेम के जल से भीग जाते हैं, अर्थात उनके मन में परमात्मा रूपी प्रेम का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे, भान का मतलब होता है सूर्य, कि जिस तरह से सूर्य प्रकट होता है, सूर्य उदित होता है, तो उदित भयातम सीना है, क्षण भर में जो है सारा अंधेरा जो है वो मिट जाता है। जिस तरह से सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के साथ ही एक पल में जो है सारा अंधेरा मिट जाता है, ठीक वैसे ही जब मन के अंदर, आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, तो उस ज्ञान के प्रकट होने से मन के अंदर जो भी अज्ञानता रूपी अंधेरा होता है, वो अज्ञानता का अंधेरा जो है पल भर में ही जो है नष्ट हो जाता है, पल भर में वह अंधेरा मिट जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, और इस तरह से हम अपनी आत्मा को निर्मल कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीरदास ने जो है इसमें भी उपदेशात्मक शैली में, प्रतीकात्मक शैली में जो है परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बताया है, कि परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है ज्ञान। जब आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो उस ज्ञान की उत्पत्ति से हम सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के